हमारे पृथ्वी के सबसे बड़े हिस्से पर महासागर, सागर और समुद्र हैं। पृथ्वी की सतह के लगभग 71% हिस्सा समुद्र, सागर और महासागर हैं। ये सागर, महासागर और समुद्र भी धरती के जलवायु के नियंत्रक हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह के लगभग 71% हिस्सा समुद्र, सागर और महासागर हैं, और ये सागर, महासागर और समुद्र भी धरती के जलवायु के नियंत्रक हैं। धरती के जलवायु का भी इनसे लिंकअप है, तो इसी कारण से ये सागर, महासागर और समुद्र भी धरती के जलवायु के नियंत्रक हैं। दोस्तों, महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाने, इनका योगदान के बारे में जानने के लिए पूरे विश्व में हर वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, 8 जून को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में विश्व महासागर दिवस या वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, और इसमें महासागरों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और इनका जो योगदान है वो किस प्रकार है, इसके बारे में जानने के लिए ही यह विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्रों के नीचे बहुत ही बहुतायत मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार है, और साथ ही पेट्रोलियम और गैसों का भी अधिकता है। तो दोस्तों, महासागरों के बारे में ऐसे कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि समुद्रों के नीचे बहुत ही मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज संसाधन होने की संभावना है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम और गैसों का भी वहाँ पर भंडार है। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य क्या है मनाने का, तो इसको जानते हैं। तो महासागरों के महत्व और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से अवगत या परिचित कराना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो महासागरों के महत्व के बारे में परिचित कराना, यानी अवगत कराना, और साथ ही साथ महासागरों में जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं उनसे अवगत कराना है, उनसे परिचित कराना है। दोस्तों, समुद्रों से हम समुद्री व्यापार, मछली पकड़ना और साथ ही साथ पेट्रोलियम गैसों का उत्पादन भी कर रहे हैं। इसी कारण से समुद्र या महासागर मानवों के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ मानवीय क्रियाओं के कारण पर्यावरण को नुकसान करने वाले कूड़ा, कचरे और प्लास्टिक भी समुद्र में जमा हो रहे हैं, जिस कारण से समुद्र का पानी विषैला होता जा रहा है, मछलियां मर रही हैं। तो ये समुद्रों के साथ में, महासागरों के साथ में छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सबों से बचने के लिए, इन सब से बचाव के लिए हमें कुछ करना चाहिए। दोस्तों, इसको कब से मनाया जाने लगा, तो इसको जानते हैं। तो इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित पृथ्वी ग्रह यानी अर्थ प्लैनेट नामक फोरम में लाया गया था, लेकिन यूएनओ के द्वारा इस प्रस्ताव को 2008 में पारित किया गया, और इसके अगले ही साल 8 जून 2009 को पहली बार विश्व में विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया। तो दोस्तों, इसको मनाने के लिए एक फोरम प्रस्तावित किया गया था, अर्थ प्लैनेट नाम का जो फोरम था उसको 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। उसी समय यूएनओ के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन यूएनओ के द्वारा इसे 2008 में पारित किया गया, और 2009 में पहली बार 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इसका जो थीम है इस वर्ष का, उसको जानते हैं। तो हर वर्ष थीम के साथ में मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। तो इस बार का जो थीम है, यानी कि 2021 का थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो यह है इस वर्ष का थीम, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, इसको हिंदी में कहेंगे महासागर जीवन और आजीविका। तो इस बार का थीम है, आपको याद कर लेना है। पिछले साल का अगर थीम का बात करते हैं, तो 2020 का जो थीम था हुआ था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। तो यह था थीम, एक सतत महासागर के लिए नवाचार, यह था इसका हिंदी में थीम। तो इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, यह था 2020 का थीम। सबसे पहली बार जो 2009 में मनाया गया था, उस वर्ष का थीम क्या था, तो उस वर्ष का थीम था आवर ओशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यह था उस वर्ष का थीम, 2009 का थीम, हमारा समुद्र हमारी जिम्मेदारी। यह था 2009 जो सबसे पहली बार मनाया गया था, उस वर्ष का थीम। दोस्तों, महासागरों में कूड़े, कचरे, प्लास्टिक का
रोकथाम हो ताकि समुद्र या महासागर दूषित ना हो और साथ ही साथ पृथ्वी की जलवायु भी प्रभावित ना हो, तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। सरकारों को भी कोशिश करनी चाहिए कि महासागरों को दूषित ना हो, महासागरों के द्वारा पृथ्वी जलवायु भी प्रभावित ना हो, तो इस कारण से कूड़े कचरे और प्लास्टिक का रोकथाम किया जाना चाहिए। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको इससे जुड़ी जानकारियां हैं उसको मैं बताऊंगा, कुछ रोचक जानकारियां भी हैं समुद्र से रिलेटेड, तो मैं उसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इस वर्ष का जो थीम है उसको अच्छे से याद करना है और कब से मनाया जाता है इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है।